जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूक्रेन ने कुर्स्क के ऊपर अटैक कर दिया है और अराउंड 1200 किलोमीटर का एरिया जो है उन्होंने यहाँ पर कब्जा लिया है, राइट, 1200 किलोमीटर स्क्वायर्स। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना बड़ा एरिया आखिर कुर्स्क रीजन का यूक्रेन ने कैसे ले लिया, कैसे ऑक्यूपाई कर लिया, और रशिया जो कि इतना बड़ा कंट्री है और अपने आप को एक सुपर पावर की तरह प्रोजेक्ट करता है, तो उसने रेजिस्ट क्यों नहीं किया है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर हम आज तक की बात देखें, अगस्त 20 तक की बात देखें, तो टोटल एरिया 1263 किलोमीटर्स स्क्वायर के अराउंड यहाँ पर यूक्रेन ने गेन कर लिया है रशिया के अंदर। सो बेसिकली अभी क्वेश्चन ये उठता है कि रशिया अब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिखा रहा है, व्हाई क्रिमिनल इज़ नॉट रिएक्टिंग टू दीज अटैक्स, वेर एज मोर देन 1000 किलोमीटर स्क्वायर्स एरिया ऑफ द रशिया इज़ एक्चुअली ऑक्यूपाइड, मॉस्को इज़ नॉट ब्लिंकिंग। सो अभी जो यहाँ पर रशिया का जो पूरा फोकस है वो यहाँ पर डोनेट्स्क जो ईस्टर्न रशिया है उसको यहाँ पर ऑक्यूपाई करने में लगा हुआ है। अभी रशिया के पास जो प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो मिलिट्री है वो पूरी ईस्टर्न जो यूक्रेन है वहाँ पर है, तो रशिया अब कोशिश कर रहा है कि उनकी जो रिज़र्व फोर्सेज हैं वो जो है यहाँ पर कुर्स्क रीजन है वहाँ पर जो है वॉर को कंटिन्यू करें। तो रशिया जो चाहता है, रशिया चाहता है कि अपना जो होल्ड है जो उसने लिया है यूक्रेन का इतने टाइम के बाद, राइट, वॉर को 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो इतने टाइम में जितना भी टेरिटरी एनेक्स किया है तो रशिया का फोकस वहाँ पर है। और रशिया के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है मिलिट्री की, उनके पास मिलिट्री की शॉर्टेज हो रही है, तो यहाँ पर कुर्स्क रीजन में वो अपनी मिलिट्री नहीं भेज पा रहे हैं, राइट। सो एक यहाँ पर रीजन भी है पॉक्रोप्स करके रीजन है, तो रशिया का मेन फोकस है इस रीजन को एनेक्स करना। पॉक्रोप्स एक बहुत ही लॉजिस्टिकली इम्पॉर्टेंट एक सिटी है यहाँ पर यूक्रेन की, राइट, पॉक्रोप्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है यूक्रेन के अंदर, तो रशिया जो है इसको एनेक्स करने की यहाँ पर सोच रहा है। अगर इसको एनेक्स कर लिया तो फिर यूक्रेन की काफ़ी जो मिलिट्री सप्लाईज़ हैं वो यहाँ पर रुक जाएंगी। पॉक्रोप्स इज़ अ वाइटल लॉजिस्टिक्स हब दैट गिव्स यूक्रेनियन फोर्सेस कंसिडरेबल डिफेंसिव स्ट्रेंथ बट इज़ करंटली अंडर सीज फ्रॉम रैपिडली एडवांसिंग रशियन फोर्सेस, राइट। तो रशिया का यहाँ पर जो बेसिक फोकस है वो इस रीजन को एनेक्स करना है, राइट, ऑक्यूपाई करना है। यूक्रेनियन फोर्सेज आर नाउ बींग ऑर्डर टू विदड्रॉ फ्रॉम पॉक्रोप्स अलाउिंग रशियन फोर्सेज टू मेक नॉट जस्ट अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू बट ऑल्सो पेव द वे फॉर देम टू कैप्चर द होल ऑफ डोनेट्स्क रीजन, यहाँ पर कैप्चर करने की बात यहाँ पर हो रही है, राइट। ये है डोनेट्स्क रीजन, पूरा का पूरा डोनेट्स्क रीजन, और ये पॉक्रोप्स है जो कि एक स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट यूक्रेन के लिए एक सिटी मानी जाती है, राइट। तो अब यहाँ पर यूक्रेन ने US बॉम्ब से जो ब्रिजेस हैं उनको यहाँ पर टारगेट करना शुरू कर दिया है, राइट। तो यहाँ पर ये सेम रिवर है, तो यहाँ पर यूक्रेन फोर्सेज ने यहाँ से एडवांस शुरू किया है और ये यहाँ तक पहुँच गई हैं, और यहाँ पर जो है इनके जो मेजर ब्रिजेस हैं उनको डैमेज किया जा रहा है जिससे कि जो रशियन सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाए, राइट, यूक्रेन की तरफ ना आने पाए। लेकिन जो रशिया का जो अभी के लिए जो फोकस है वो ईस्टर्न रीजन पे है, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर यूक्रेन एडवांसेस की बात करें तो अगस्त 21 तक यहाँ तक उन्होंने एडवांस कर लिया है, राइट, इतना एरिया यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। और रशिया ने यहाँ पर लगभग 2 लाख के करीब, राइट, 2 लाख के करीब लोगों को यहाँ पर एवैक्यूएट कर लिया है, राइट, इन रीजन्स कुर्स्क रीजन के अंदर से, राइट। सो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो यूक्रेन है वो इस एनेक्सेशन को किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो यूक्रेन ने ओवर दी टाइम, राइट, वॉर को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 2022 में ये वॉर स्टार्ट हुई थी, राइट, अभी है 2024, सो 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर एक बार्गेनिंग चिप की तरह से यहाँ पर यूज़ कर सकता है, राइट, यूक्रेन जो है वो जब भी नेगोशिएशन टेबल पे आएगा रशिया के साथ तो यहाँ पर जो इन्होंने एरिया एनेक्स किया है तो एक बार्गेनिंग की तरह उसको इस्तेमाल कर सकता है, राइट, कि आप अपना एरिया हमें दे दें वापस और हम आपका एरिया वापस कर देंगे, राइट। दूसरी चीज़ है वो मोरल को बूस्ट करेगा, राइट, इतने टाइम
तक जो है वॉर लड़ने के बाद यहाँ पर जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उनका मोरल काफ़ी डाउन हो गया था। तो ये जो एक एनेक्सेशन है रशिया जैसी बड़ी पावर का उनके एरिया में जाके ऑक्यूपाई कर लेना उनके मोरल को बूस्ट करेगा, राइट? क्योंकि जर्मनी के बाद किसी और कंट्री ने यहाँ पर रशिया पे इन्वेजन नहीं करा है, राइट? हिटलर के बाद प्लीज़ द वेस्ट, राइट? तो अब वेस्ट जो है वो परेशान हो गया था इनको वेपन्स दे के, कोई यहाँ पर मेजर प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही थी। यूएस भी यहाँ पर परेशान हो गया था, यूएस में काफ़ी सारी क्राइसिस आ रही थी, यूएस में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इनको इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है, वॉर क्यों फंड करे जा रहे हैं, राइट? उनकी पार्लियामेंट में यहाँ पर डिबेट्स हो रहे थे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी यूक्रेन के लिए कि अब कब तक जो है इस वॉर को फंड करेगा यूएस टैक्स पेयर्स के मनी से। तो यहाँ पर एक यूक्रेन यहाँ पर एक एडवांटेज लेता हुआ दिख रहा है कि वो वेस्ट को प्लीज़ कर सकता है कि इसको और फंड किया जाए, क्योंकि उसने रशिया जैसे कंट्री पर जो है अटैक कर दिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है उसकी काफ़ी सारी टेरिटरीज। तो यहाँ पर जो है वो प्लीज़ करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है यूक्रेन, राइट? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।